कोरोना की इस लहर में हर कोई डरा हुआ है। ऐसे में हर कोई इस बात को समझना चाहता है कि इस संक्रमण की जांच कब करवाएं। ये सवाल भी थोड़ा सा इसके अंदर में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे भी आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं, देखिए ये पैंडेमिक है, यहाँ पर आपको हर चीज़ के अंदर में आपको जब आप पैंडेमिक में होते हैं तो आपका सारा दिमाग, सारा फोकस जो होता है वो आपका मेन डिसीज़ पे होता है जो कि अभी कोविड है। तो अगर आपको कोई भी लक्षण है जहाँ पर आपको सर्दी खांसी बुखार है या जो मैं आपसे पिछले बार बात कर रहा था कि जो सिम्टम्स है, आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और उनसे बात करके पूछे कि क्या मैंने कोविड के टेस्ट करना चाहिए क्या, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके घर में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो अमूमन आपको करना ही होगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू रूल आउट दैट यू डोंट हैव एनी डिसीज़, क्योंकि आप जाने अनजाने में और कितने सारे व्यक्ति को दे सकते हैं ये पता करने के लिए हमको टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि हम आपको आइसोलेट करें या ट्रीट करें या एडमिट करें। तो जो भी है, आपको कुछ भी लक्षण आते हैं जो कि एबनॉर्मल है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे मैंने शायद ट्रैवल किया है या मैं वो संपर्क में आया हूँ या मेरे घर पर कोई मेम्बर है या मुझे ऐसे लक्षण है, तो अपने आपको टेस्ट कराइए और आप देखिए कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव है तो आप अपने आप को दूसरे ट्रीटमेंट, आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप पॉजिटिव है तो एटलीस्ट आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे और उस चेन को कहीं ना कहीं तोड़ेंगे ताकि आपके वैसे और कोई नए पेशेंट ना खड़े हो। तो आपको ये देखना है कि आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके कॉन्टैक्ट कैसे हैं और आपके डॉक्टर की सलाह, इन सब को लेते हुए हम आगे के टेस्ट की सलाह देते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।